किसान क्रांति यात्रा में दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन ने उग्र रुख ले लिया है। किसान आंदोलन को रोकने की केंद्र और यूपी सरकार की कोशिशों पर कोई असर डालने में अब तक कामयाबी नहीं हुई है। केंद्र सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया, लेकिन किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों के मामले को सुलझाने और उनके हित में काम करने की बात कही। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार किसानों की मांग को लेकर गंभीर है। साथ ही आरोप लगाया कि कुछ लोग अन्नदाताओं की समस्या को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ते हुए गांधी जी ने एक बार कहा था कि वो स्वतंत्रता और स्वच्छता में से स्वच्छता को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने साल 1945 में प्रकाशित अपने रचनात्मक कार्यक्रम में जिन जरूरी बातों का जिक्र किया, उनमें ग्रामीण स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण सेक्शन था। वर्धा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील और उद्योगपतियों से संबंध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी संकल्प यात्रा में राहुल गांधी ने कहा कि जिस सत्य और अहिंसा के लिए गांधी जी ने अपनी जान दी, मोदी जी रोज उसके खिलाफ लड़ते हैं। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। शत्रुघ्न ने राफेल मुद्दे को लेकर पीएम पर हमला करते हुए कहा कि अगर उन्होंने इस मुद्दे को लेकर जनता के सामने सच नहीं रखा तो पार्टी को इसका खामियाजा 2019 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा है कि विपक्षी दल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का खुलेआम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि देश का बहुसंख्यक समुदाय भगवान राम की पूजा करता है। भागवत ने कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ चीजों में समय लगता है। लखनऊ में चर्चित विवेक तिवारी हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने घटनास्थल पर पहुंचकर एक बार फिर अपनी पड़ताल शुरू की। वहीं टीम ने विवेक तिवारी के साथ उस रात उनकी गाड़ी में मौजूद सना खान की मदद से घटनास्थल पर एक बार फिर पूरी वारदात का क्राइम सीन बनाने की कोशिश की, जिससे ये पता चले कि उस रात असल में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के निवाड़ा गांव में 3 महीने पहले हुए घर के सदस्य की मौत के मामले में इंसाफ पाने के लिए एक ही मुस्लिम परिवार के 20 में से 13 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया। इस परिवार के बाकी 7 लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया है। इनका कहना है कि पुलिस उत्पीड़न और खुद को उपेक्षित समझने के चलते उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। चीनी सेना की हिमाकत लगातार बढ़ती जा रही है। आईटीबीपी की एक खुफिया रिपोर्ट में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस साल अगले अगस्त माह में चीनी सेना PALA ने 4 से 19 तारीख के बीच लद्दाख में 14 दिनों में कुल 14 बार घुसपैठ की है। लद्दाख के अलावा उत्तराखंड में भी 3 जगहों पर चीनी सेना LOC के भीतर 4 किलोमीटर तक घुस आई है। भारतीय टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में अपना नंबर 1 पोजीशन को बरकरार रखने के इरादे से वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्टों की सीरीज में उतरेगी। गुरुवार से शुरू हो रही सीरीज में भारत ये चाहेगा कि वो कोई अंक नहीं गमाए। टीम इंडिया 115 अंकों के साथ टॉप पर चल रही है। आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्र